तरह से हमने पूरे मुमरा में घूमकर देखा, लॉकडाउन का काफी अच्छा असर नजर आ रहा है, और जो तंजीमें हैं मुमरा में, जो एनजीओज हैं, जो उनके काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, डॉक्टर्स का काम है, इन टीमों ने, इन सभी ने मिलकर इस लॉकडाउन को मुमरा में, जो लोग आज घर में बैठे हैं, उसका पूरा पूरा श्रेय पूरा पूरा उन्हीं को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि वो उनकी खिदमत में हमेशा मौजूद है। उन सभी एनजीओ को सलाम है जो गरीब लोगों को खाना पहुंचा रही है, और जो लॉकडाउन का बेहतरीन असर जो आज नजर आया, ये इसी वजह से नजर आया, आज 8वां दिन है और काफी कम लोग नजर आ रहे हैं, जो लोग निकल रहे हैं वो सिर्फ जरूरत के तहत निकल रहे हैं बाहर, एक अच्छी चीज देखने में आई है। और पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा जो मेहनत करना पड़ रही थी, कल हर गली में जाकर उन्हें खदेड़ना पड़ रहा था लोगों को, वो थोड़ा कम हो गया है आज, और जो उन्होंने नाकाबंदी और सख्ती जो उन्होंने थोड़ी कम कर दी थी, उसका भी बेहतरीन असर देखने को आया है। और यही, और दूसरी चीज, सबसे अहम चीज, कि आज जो लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर राशन नहीं पहुंचा है, तो ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनको राशन मिलने के बावजूद वो कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिला, तो उनसे हमारी अपील है कि आप लोग ख्याल रखिए दूसरों का भी, उन लोगों का भी ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए जो जिनके पास खाना नहीं है। अगर आपके पास एक से दूसरी बार आ जाता है, डबल ज्यादा खाना आ जाता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने पड़ोसी को दे दीजिए, क्योंकि इसी वजह से किल्लत भी हो रही है। थोड़ा सब्र रखिए, इंशाल्लाह जल्दी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।